स्टूडेंट मैं प्रियंका बिश्नोई फ्रॉम चौधरी मोटाराम मिल कॉलेज ऑफ एजुकेशन क्लास बीएड सेकंड ईयर विषय पर्यावरण शिक्षा। टॉपिक है हमारा आज का पारिस्थितिकी तंत्र। पिछले वीडियो में हमने पारिस्थितिकी की अवधारणा के बारे में चर्चा की थी और पर्यावरण की अवधारणा के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे इकोलॉजी सिस्टम। पारिस्थितिकी की अवधारणा में हमने पढ़ा था कि पारिस्थितिकी क्या होता है, जीव और वातावरण के मध्य जो संबंध होता है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी की अवधारणा दी थी अर्नेस्ट हेकल ने और इकोसिस्टम की अवधारणा दी है एजी टांसले ने। एजी टांसले ने 1935 में इकोलॉजी की अवधारणा दी है। इकोसिस्टम को समझने के लिए हमें जरूरी है कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम होता है एक छोटे से छोटा पारितंत्र और एक बड़े से बड़ा विशाल पारितंत्र। छोटे से छोटे पारितंत्र में हम ले सकते हैं जैसे एक छोटे से छोटा पारितंत्र और एक बड़े से बड़ा पारितंत्र। छोटा हो गया एक घास का मैदान, घास का मैदान, और बड़े से बड़े में हम अपने ले सकते हैं महासागर, महासागर। छोटे से छोटे पारितंत्र में जो भी सूक्ष्म जीव से लेके जो भी बड़े जीव आएंगे वो किस में आएंगे, छोटे पारितंत्र में यानी कि घास के मैदान में। और महासागर यानी कि विशाल पारितंत्र में जो भी बहुत बड़े संख्या में जो जीव आएंगे वो किस में आएंगे, महासागर में। पारितंत्र और विशाल पारितंत्र, छोटे से छोटा पारितंत्र घास का मैदान और विशाल महासागर हो गया। इसमें अपने से पूछ ले कि इकोसिस्टम में बड़े से बड़ा पारितंत्र कौन सा होता है, यानी कि महासागर बड़ा पारितंत्र होगा क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है, 71% मात्रा में यहाँ पाई जब पानी पाया जाता है। तो सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा हो जाएगा, जलीय पारितंत्र। और ये क्या हो जाएगा, घास का मैदान क्या है, स्थलीय पारितंत्र। उसके बाद में अर्नेस्ट ये एजी टांसले ने सन 1935 में पारिस्थितिकी के शब्द को किसी एक क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले समस्त जीवों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित अवस्था के लिए प्रस्तावित किया है। टांसले ने कहा है कि किसी भी स्थान के जलीय समुदाय के जीवों तथा उसके चारों ओर पाए जाने वाले अजैविक जीवीय वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समुदाय के जीवों की रचना व उसके वातावरण के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, एक क्षेत्रीय तंत्र के घटकों के बारे में चर्चा करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक दो प्रकार के होते हैं। पहला है जीवीय और अजीवीय, पहला है जीवीय घटक और अजीवीय घटक। जीवीय घटक के अंतर्गत आएंगे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता। पहला है उत्पादक, जीवीय घटक में पहला आएगा उत्पादक, नंबर दो आएगा उपभोक्ता और नंबर तीन आएगा अपघटन करता। ये तो है जीवीय घटक। और अजीवीय घटक में आएंगे, पहला है अकार्बनिक पदार्थ, नंबर एक अकार्बनिक पदार्थ, नंबर दो आएगा कार्बनिक पदार्थ, और नंबर तीन आएगा भौतिक पदार्थ, नंबर तीन आएगा भौतिक पदार्थ। ये हो गए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं अपने, जीवीय घटक और अजीवीय घटक। जीवीय घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता।
अजीव में है अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और भौतिक पदार्थ। अब अपने पर्यावरण के जीवीय घटकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि पर्यावरण के जीवीय घटक कौन कौन से हैं। पहला है जीवीय घटक के बारे में चर्चा करेंगे, जीवीय घटक। इसमें सबसे पहले है, सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया, उत्पादक। सबसे पहले अपने जीवीय घटक के बारे में पढ़ते हैं कि जीवीय घटक क्या होता है। कि जीवीय घटक के बारे में चर्चा करते हैं, पहला है हमारा जीवीय घटक और दूसरा है अजीवीय घटक। तो अपने जीवीय घटक के बारे में पढ़ते हैं। जीवीय घटक होता है सभी जीवधारियों को जीवित रहने, प्रजनन तथा वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के द्वारा इन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है। हरे पौधे इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अन्य जीवधारी इन्हीं पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार विभिन्न जीवधारियों में ऊर्जा का तल क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। वे जीवधारी उसके बाद में है स्वयं पोषी एवं परपोषी। इसमें आएंगे दो टॉपिक आएंगे, स्वयं पोषी और परपोषी, स्वयं पोषी और परपोषी। स्वयं पोषी कौन से होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तथा दूसरों पर निर्भर नहीं करते, क्या कहलाते हैं, स्वयं पोषी। इसके अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं, ये अपना भोजन क्या है, अब खुद तैयार करते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। दूसरे जीवधारी जो भोजन के लिए सदैव दूसरों पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। सभी जीवीय घटक पारिस्थितिक भोजन संबंधों के अनुसार संतुलित रहते हैं। समझ आ गया होगा आपको, स्वयंपोषी और परपोषी। स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं करते हैं और परपोषी जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। स्वयंपोषी का बाद में अपने हमने पढ़ा था, स्वयंपोषी और परपोषी। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं उत्पादक। सबसे पहला अपना जीवीय घटक में उत्पादक, उत्पादक कौन होता है। उत्पादक वह होता है, इसके अंतर्गत वे सभी हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा CO2 एवं पादप को परणहरित की उपस्थिति में प्रकाश के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। यह ग्लूकोज भोजन के रूप में पौधे में एकत्रित होता रहता है और श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा प्रदान करता है। यही ऊर्जा विभिन्न जैविक क्रियाओं में काम आती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन होता है और जल का उपचयन होता है। मतलब श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन, और जल का उपचयन होता है। उसके बाद में आता है उपभोक्ता। इसके अंतर्गत दूसरा आता है अपना उपभोक्ता। स्वयंपोषी और परपोषी के बाद में अपने अध्ययन करते हैं उत्पादक। उत्पादक क्या होता है, जीवीय घटक का पहला टॉपिक है अपना उत्पादक। उत्पादक के अंतर्गत वे सभी हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा CO2 एवं पादप को परणहरित की उपस्थिति में प्रकाश के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। यह ग्लूकोज भोजन के रूप में पौधों में एकत्रित होता रहता है और श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा प्रदान करता है। यही ऊर्जा विभिन्न जैविक क्रियाओं में काम आती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है। CO2 का अपचयन। अपचयन का मतलब होता है श्वसन क्रिया। मतलब अपने सांस से इसको ग्रहण करते हैं। कौन करते हैं इसको सांस से ग्रहण, पौधे क्या है, CO2 को ग्रहण करते हैं। उसके बाद में दूसरा है उपभोक्ता। उत्पादक के बाद में दूसरा घटक आता है अपना, अपने जीवीय घटक की चल रही हैं, जीवीय घटक में पहला आपने पढ़ लिया उत्पादक और दूसरा है अपना उपभोक्ता। उपभोक्ता काफी बड़ा टॉपिक है अपना उपभोक्ता। उपभोक्ता इसके अंतर्गत वे सभी जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन
प्राथमिक उत्पादकों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हरे पौधे होते हैं, शाकीय पौधे होते हैं, झाड़ियां होती है, वृक्षों की पत्तियां होती है, को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को शाकाहारी कहते हैं। इन शाकाहारी जीवियों को खाने वाले अन्य जीवधारियों को क्या कहते हैं? मांसाहारी। इस प्रकार सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है। मतलब एक मैंने आपको पिछले बताया था, इसमें जीवीय घटक में स्वयं पोषी और परपोषी के बारे में मैंने आपको बताया। में आते हैं प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता। तीन प्रकार के उपभोक्ता आएंगे, प्राथमिक श्रेणी के, और नंबर दो द्वितीयक श्रेणी के, और नंबर तीन है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता सबसे पहले अपने पढ़ेंगे प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कौन से होते हैं। प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, इस श्रेणी के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों अथवा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये क्या है? एक शाकाहारी, ये शाकाहारी होते हैं। इसके अंतर्गत उदाहरण के तौर पर अपने देखते हैं, प्राथमिक श्रेणी के उदाहरण में अपने देखेंगे, उपभोक्ता की चर्चा हो रही है, उपभोक्ता इसमें प्राथमिक श्रेणी में है। उदाहरण के तौर पर अपने देखते हैं ये क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी। इसमें उदाहरण के तौर पर अपने देखते हैं गाय, खरगोश श्रेणी के उपभोक्ता। इस श्रेणी उपभोक्ता में आएगा पहला प्राथमिक श्रेणी, और नंबर दो है द्वितीयक श्रेणी, और नंबर तीन है तृतीयक श्रेणी। तृतीयक श्रेणी सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता के बारे में, कि प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कौन से होते हैं। सबसे पहले है प्राथमिक श्रेणी। इस प्रकार के उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों अथवा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर अपने देखते हैं जैसे खरगोश, जैसे खरगोश चूहा, गाय, बकरी, ये क्या होते हैं, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ये तो हो गए इसके उदाहरण, जैसे गाय, हिरण, खरगोश, टिड्डा, चूहा आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता हैं, क्योंकि ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं, ये किसी अन्य चीजों से अपना भोजन प्राप्त नहीं करते। उसके बाद में आता है नंबर दो द्वितीयक श्रेणी, नंबर दो आएगा द्वितीयक श्रेणी। द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। जैसे मान लो अपने टिड्डे का मेंढक के द्वारा, और शाकाहारी मछली का मांसाहारी मछली को खाना, चूहे का बिल्ली, जो बिल्ली है वो चूहे को खा रही है, हिरण है, हिरण का शिकार कौन कर रहा है, भेड़िया खा रहा है। तो इस प्रकार क्या हो गया कि ये सारे क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं। जैसे मान लो एक श्रृंखला बन जाएगी, जैसे इसी क्रम में मान लो अपने उदाहरण और देखते हैं, तो मेंढक है वो क्या है कि मांसाहारी है, मेंढक हो गया, भेड़िया हो गया, बिल्ली हो गई, और मांसाहारी मछली, ये किसके अंतर्गत आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। यानी कि इन्होंने क्या किया है, प्राथमिक उपभोक्ता जो थे उनको क्या है, खा के अपना भोजन प्राप्त किया है। वो कौन से आए, कौन से श्रेणी में आएंगे, द्वितीयक श्रेणी में। इसके उदाहरण आप देख सकते हो, उदाहरण जैसे मेंढक, मांसाहारी मछली, मांसाहारी मछली, और क्या हो गया ये मेंढक, मांसाहारी मछली, और किसको मान सकते हैं अपने, भेड़िया।
ये किस में आएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट तीसरा हमारा है तृतीयक श्रेणी। तृतीयक श्रेणी तीसरी है तृतीयक श्रेणी। तृतीयक श्रेणी में प्राथमिक श्रेणी के जीवों को खाकर और द्वितीयक श्रेणी के जीवों को खाकर, दोनों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो कौन सी श्रेणी में आएंगे? तृतीयक श्रेणी में। इसमें क्या है कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव आते हैं, जैसे सांप तथा चिड़िया के द्वारा किसको क्या है प्राथमिक श्रेणी के जो जीव है उनको खाना, और साथ में क्या है द्वितीयक श्रेणी के जीवों को भी खाना। उसके बाद में आते हैं उच्च मांसाहारी। तृतीयक श्रेणी में ही आएंगे उच्च मांसाहारी, मतलब इसके अंतर्गत आएगा। इसका एक अच्छा उदाहरण है, वो कौन सा है? मनुष्य है। मनुष्य क्या है? उच्च मांसाहारी में आएगा, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। इस तरह अपना ये उपभोक्ता कंप्लीट हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है अपना अपघटन करता, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटन करता। पहले हमने पढ़ा था उत्पादक में कि उत्पादक कौन से होते हैं, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और उपभोक्ता कौन से थे? तीन प्रकार के उपभोक्ता मैंने आपको बताए, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तृतीय श्रेणी में अपने हमने मैंने बताया कि उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी में मतलब कौन से होते हैं? जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों श्रेणियों के जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत एक अच्छा उदाहरण आएगा मनुष्य। मनुष्य क्योंकि शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। उसके बाद में तीसरा है अपना अपघटन करता, अपघटन करता, अपघटन करता, अपघटन करता। इसमें वे जीवीय घटक हैं जो प्राय उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का अपघटन करते हैं। इससे इनसे निर्मित साधारण पदार्थों के द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थ टूट टूट कर नाइट्रोजन, CO2 लवण तथा फास्फोरस व कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। ये पदार्थ वायुमंडल में पृथ्वी में मुक्त होते रहते हैं। पौधे इन्हें ले लेते हैं और भोजन वह शरीर का निर्माण करते हैं। यह क्रम क्या है? निरंतर चलता रहता है। अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृतपोषी जीव, कवक एवं जीवाणु आते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण जीवीय घटक है, क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक तत्व जो उत्पादन तथा उपभोक्ता के शरीर का निर्माण करते हैं तथा पुण्य वायुमंडल व मृदा में पहुंच जाते हैं। इसी तरह क्या है ये अपघटनकर्ता का कार्य होता है। अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते रहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रकृति का क्या कहते हैं? मैंतर कहते हैं। प्रकृति का मैंतर किसको कहते हैं? अपघटनकर्ता। प्रकृति का मैंतर किसको कहा जाता है? अपघटन करता। समझ आ गया होगा आपको। पारिस्थितिकी तंत्र मैंने आपको बताया, सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, उसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। घटकों में हमने पढ़ लिया उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटन करता। उत्पादन उत्पादन में हो गए हरे पेड़ पौधे जो क्या है हमारे लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। उसके बाद में उपभोक्ता जो हम प्रकृति से या प्राथमिक जो उत्पादक है उनको हम ग्रहण करते हैं, वो कौन से हो गए? उपभोक्ता। उपभोक्ता में हमने पढ़ा था प्राथमिक द्वितीय और तृतीयक श्रेणी। उसके बाद में हमने अपघटन करता पढ़ा है। अपघटन करता क्या होते हैं कि वे जलीय जीव होते हैं जो क्या है कि जैसे जो तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता है वो क्या है कि जो मर जाते हैं, मतलब जिनका अपघटन हो जाता है वो क्या है कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनके जो हमें प्राप्त होते रहते हैं, और उन्हीं के द्वारा मतलब जैसे कैल्शियम का, फास्फोरस का, लवण आदि का निर्माण होता है, वो अपने पौधों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं और हमारा भोजन तैयार करते हैं। इस प्रकार हमारा ये पारिस्थितिकी तंत्र कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अजीवीय घटकों के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।